Good morning, dear students. You are welcome back to your online maths class. This is class 5 maths chapter 10, tens and hundreds. It is second part of this chapter. I hope आप लोगों ने इसका first part अच्छी तरह से कर लिया होगा. चलिए हम start करते हैं second part of chapter 10. And our next topic is at the market. सो हियर सम थिंग्स आर गिवेन. यहाँ पर कुछ चीज़ें गिवेन हैं और यहाँ नीचे प्राइस टैग भी लिखा हुआ है और उसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए. इनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी. दिस इज़ एग एंड हियर, क्योंकि ये पुरानी बुक है आपकी, तो यहाँ एक्चुअल कॉस्ट नहीं है जैसा कि एक्चुअल कॉस्ट है आज के समय में. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एग की कॉस्ट है 2.50 रुपीज़, दैट मीन्स 2 रुपीज़ 50 पैसे. यहाँ एक लेडीज़ पर्स, लेडीज़ हैंडबैग दिया हुआ है जिसका कॉस्ट है ₹120.50, दैट मीन्स 120 रुपीज़ 50 पैसे. यहाँ पर एक पेन है जिसकी कॉस्ट 6.50 रुपीज़ है, तो 6 रुपीज़ 50 पैसे. स्टूडेंट्स, आप 6.50 मत पढ़िएगा, डेसिमल लगने के बाद हर डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं. ये एक वॉच है जिसकी कीमत आप दी हुई है, जिसका प्राइस दिया हुआ है ₹567.25, दैट मीन्स 567 रुपीज़ 25 पैसे. यहाँ सोप है ₹8.75, दैट मीन्स 8 रुपीज़ 75 पैसे. मैच बॉक्स है जिसका कॉस्ट ₹0.50 है, दैट मीन्स 50 पैसे है. यहाँ स्लीपर्स है, वन पेयर स्लीपर के हैं जिनका कॉस्ट है ₹32.99. तो आप देखोगे कुछ चीज़ों की कीमत वैसी है, जैसे कि आपको ये वॉच इतने में अभी भी मिल सकता है, पेन भी आपको मिल जाएगी, बट इनकी कॉस्ट जो है वो चेंज हो चुकी है. जैसे कि एग है, सोप है, मैच बॉक्स है, हैंड पर्स है और ये स्लीपर्स हैं. So this girl is saying, look at this funny price, 32 rupees and 99 paise. But if we give 33 rupees, they don't give us back 1 paisa. ये लड़की क्या कह रही है कि देखो ये कितना फनी प्राइस है, 32 rupees 99 paise, है ना. सिर्फ एक पैसा कम है 33 रुपीज़ में, लेकिन अगर हम 33 रुपीज़ देते हैं तो वे हमें एक पैसा नहीं लौटाएंगे. एक पैसा होता ही नहीं है तो कैसे लौटाएंगे. बहुत सारे आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे या फिर आप प्राइस देखेंगे, सेलिंग प्राइस देखेंगे जब आपका ये लगता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्राइस ऐसे होते हैं, 99,999, 999, इस टाइप के प्राइस रहते हैं जो कि फ़नी प्राइस ही होते हैं, क्योंकि 1 paisa आप या 1 rupees आप कहाँ से लौटाएंगे या कैसे पे करना है, बहुत प्रॉब्लम होती. तो यहाँ पर ये देखिए कि ये कह रही व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपी इज़ 1 paisa, 1 paisa रुपी का क्या पार्ट होता है. सो सी इज सेइंग दिस इज़ ओनली टू फूल अस बाय सोइंग 1 paisa लेस. अब ये कह रही है कि ये सिर्फ हमें मूर्ख बनाने का तरीका है कि हमें 1 paisa कम दिखाना. 1 paisa इज़ 1/100th ऑफ अ रुपी. 1 paisa 1 रुपए का क्या होता है, 1/100 भाग होता है. इट इजेंट इट, इट इज़ रिटन एज ₹0.01. यह 0.01 रुपी लिखा जाता है. सो दैट इज़ व्हाई वी राइट 99 paise एज ₹0.99, और इसलिए हम 99 paise को 0.99 लिखते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How many paise does a match box cost? A match box का जो cost है वो कितना पैसा है. तो आपने match box की cost देखी होगी, तो उसमें clear लिखा हुआ है कि cost of match box ₹0.50. और 0.50 means क्या होता है, 50 paisa. So match box की cost हो गई 50 paise.
And next question is, how many match boxes can be got for rupees 2.50? अब 2.50 रुपीस से कितने मैच बॉक्स आप खरीद सकते हो? तो वन मैच बॉक्स का कॉस्ट कितना है? 0.50 रुपीस, ठीक है? तो आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको इसमें। तो आप देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स रुपीज़ 0.50, दैट मीन्स 50 पैसे, और 2.50 को भी आप पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उनको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो इसको आप सबसे पहले इस तरह से लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल टू 0.50, ठीक है ना? अब 0.50 क्या हो जाएगा आपका? 50 पैसे। तो यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल, तो ये 50 पैसे हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 2.50 रुपीज़ में कितने मैच बॉक्स आएंगे, तो आपको 2.50 रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मैंने आपको जो इसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर 2 जीरो हैं, 100 है, तो डेसिमल 2 डिजिट के पहले, जैसे कि आपने 2.50 और 00 लिख देंगे, 2 इस तरह से पूरा आप लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है, 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये देखिए आप, ये 2 जीरो के बाद, डेसिमल के बाद 2 जीरो कोई वैल्यू नहीं रखता, इसलिए आपका आ जाएगा 250 पैसे। तो आप इसको लिख दीजिएगा, इसके बाद 250 में आप 50 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वन मैच बॉक्स की कॉस्ट 50 है, तो 250 पैसे में कितने मैच बॉक्स आएंगे। इसके लिए आपको 250 में क्या करना पड़ेगा, 50 का डिवाइड, इसको आपको अपनी कॉपी में भी ये डिवाइड लिखना है। तो देखिए आप 5 का टेबल पढ़िए और 5 के टेबल में 0 आगे लगा दीजिए, तो 50 का टेबल हो जाएगा। तो 5 5 जो 25, तो यहाँ 5 टाइम्स गया, 5 5 जो 25, हम डिवाइड कर रहे हैं 50 से, इसलिए 1 जीरो और लगा देंगे, तो 250 हो गया। दैट मीन्स कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स क्या है ना? तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे आंसर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर रुपीज 2.50। 2.50 में 5 मैच बॉक्सेस आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मैनी रुपीज डज द सोप कॉस्ट? सोप का कॉस्ट कितने रुपए हैं? तो सोप का कॉस्ट है रुपीज़ 8.75। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अरुण वांटेड टू बाय अ सोप, अरुण को एक सोप खरीदना है, ही हैज़ 5 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 4 हाफ रुपी कॉइन। अब अरुण के पास क्या क्या है, देखिए 5 रुपी कॉइन उसके पास 1 है, और 1 रुपी कॉइन 2 है, और 1/2 रुपी कॉइन 4 है। स्टूडेंट्स अभी आप लोग 1/2 रुपी कॉइन नहीं जानते होंगे, आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, शायद उनके पास होगा, तो आपको ज़रूर ये कॉइन दिखाएंगे कि 1/2 रुपी कॉइन, दैट मीन्स 50 पैसे का कॉइन कैसा होता है। तो पहले चलता था कुछ साल पहले, तो 4 1/2 रुपी कॉइन है अरुण के पास, तो आपको ये बताना है, राइट इन रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक। तो आपको रुपीज में बताना है कि उसे कितना पैसा या कितना मनी उसको रिटर्न होगा। तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे कि अरुण के पास कितने रुपीज हैं। तो 5 रुपी का उसके पास कितना क्वाइन है, 1, और 1 रुपी के उसके पास 2 क्वाइन है, और 1/2 रुपी, 1/2 रुपी मीन्स 50 पैसा। तो 50 पैसा को आप 0.5 लिख सकते हो या 0.50 भी लिख सकते हो, उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि उसके पास 50 पैसे के 4 क्वाइन हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5, और 2 1 जा 2, 5 और 2 7 हो गया। और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, किस में मल्टीप्लाई करते हो, 0.5 में इसका, तो देखेंगे आपकी ये जो होता है आपका 5 4 जा कितना होगा, 20। अब जीरो के बाद कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो जो डेसिमल है वो 1 डिजिट लगेगा, ठीक है ना? 1 डिजिट के पहले
डेसिमल होगा, देन 2.0, 2.0 मीन्स 2 रुपीज आ जाएगा आपका। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखेंगे वी गेट 5 + 2 + 2, हमें 5 × 5, 2 × 2 और इनका मल्टीप्लाई करने से कितना मिला 2, तो इनको ऐड करने से कितना आ गया 9 रुपीज। तो अरुण के पास 9 रुपीज है। और अब क्या है, वी नो दैट कॉस्ट ऑफ द सोप, 1 सोप का कॉस्ट कितना है, हमने देखा हुआ है 8.75 रुपीज। दैट मींस कि अरुण के को कितना मनी रिटर्न होगा, 9 में से 8.75 आप माइनस कर दीजिए। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 9 रुपीस को आप लिख सकते हैं 900 पैसे और 8.75 को लिख सकते हैं 875 पैसे। देखिए 9 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, 8.75 में 100 का करेंगे तो क्या होगा 8700, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल के बाद वो दोनों जीरो हट जाएंगे, 875 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 25 पैसे, और 25 पैसे को आप लिख सकते हैं 0.25 रुपीस, ठीक है ना। सो अब हम आगे देखते हैं कनन क्या कह रही है। कनन कह रही है कनन टेक, अब ये जो है कनन को पैसे दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कनन टेक रुपीस 60 एंड बाय 1.5 dozen एग, यू कैन बाय पेंस विद द मनी लेफ्ट। अब ये कनन को पैसे दे रही हैं और बोल रही हैं कि कनन ये 60 रुपीस लो और आपको 1.5 dozen एग लेना है और जो पैसे बचते हैं उससे आप पेन खरीद सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं कि 1 एग कॉस्ट 2.5 रुपीस, हाउ मच विल 1.5 dozen कॉस्ट। अब ये बोल रहे हैं कि 1 एग का कॉस्ट 2.5 रुपीस है, तो 1 एंड हाफ डजन का कॉस्ट कितना होगा। सो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 1 dozen में कितना होता है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 एग, 1 एग का कॉस्ट रुपीज 2.50 है। अब 1 dozen में कितना होता है, तो 1 dozen में 12 होता है, तो 12 का हाफ, हाफ डजन में होगा 12 का हाफ 6 होता है, तो 1.5 dozen में हो जाएगा 12 + 6, दैट मीन्स 18 eggs हो जाएंगे। और इसका हम को निकालना है कि 18 eggs का कॉस्ट कितना है, तो 18 eggs का कॉस्ट निकालने के लिए 18 में हम 2.50 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 18 का हम अलग मल्टीप्लाई करें और 0.50 में हम अलग मल्टीप्लाई कर लें, तो 18 × 2 = 36 और 0.50 मीन्स क्या, हाफ रुपीस। इसको अगर 1/2 आप लिखते हो हाँ तो ये हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 36 + 9 = 45। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ये तरीका आपको नहीं करना है, सपोज कि आप दिस यू डोंट वॉन्ट टू डू, ओके। सो हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, हमें क्या करना है पहले इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 × 2.5। देखिए डेसिमल के बाद अगर जीरो है लास्ट में तो वो तो हमें हटा सकते हैं, उसका हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के आपको 18 में 2.5 का मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते, देखिए 5 × 8 = कितना होता है 40, सो 40 का जीरो आपका कैरी कितना हो गया 4, 5 × 4 और सॉरी 5 × 5 और वो जो 4 था वो कितना हो गया आपका 9, ठीक है ना। अब यूनिट डिजिट का इसका हो गया है तो आप यहाँ छोड़ दीजिए। अब 2 का करिए, 2 × 8 = कितना होता है 16 का 6 कैरी 1, 2 × 1 = 2 और 1 कितना हो गया 3। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये 0, 9 और 6 = 15 का 5 कैरी 1, 3 और 1 = 4। तब देखिए यहाँ पर कितने हैं डेसिमल, 1 decimal है ना, 1 digit के पहले डेसिमल है, तो डेसिमल प्लेट पीच यहाँ भी 1 digit के पहले ही होगा, दैट मीन्स डेसिमल के बाद 0 आया जिसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ₹45। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ₹45 लिख सकते हैं, आपको ये प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन करते आ गया हो तो।
अगर नहीं आया है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा इस चैप्टर का, जो मैंने इंट्रोडक्शन आप डेसिमल बताया हुआ है, तो उसे अगर आप कर लेते हैं तो ये आपको बन जाएगा। सो चलिए हम आगे करते हैं कि अब कितना मनी बचा हुआ है अरुण के पास, सॉरी कनन के पास। तो 60 में से 45 आप माइनस कर दीजिए, तो उसके पास मनी बचा हुआ है 15 रुपीज। ओके, सो नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पेन्स कैन कनन बाय, हाउ मच मनी इज लेफ्ट। अब कनन कितने पेन खरीद सकती है और कितना पैसा बचा हुआ है। तो हमने तो देख लिया 60 में से 45 माइनस करके 15 रुपीज बचे हुए हैं, तो अब उस 15 रुपीज में कनन कितने पैसे पेन खरीद सकती है और कितना पैसा बचेगा। तो कैन आई बाय 2 पेन्स विथ रुपीज 13, क्या 13 रुपीज में 2 पेन खरीद सकती हूँ। चलिए हम देखते हैं इसे सॉल्व करके। कनन कैन बाय 2 पेन्स, द मनी लेफ्ट विद हिम रुपीज 15। देखिए 1 पेन का कॉस्ट कितना है, वो 6.50 है, तो उसका आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, दैट मीन्स 13 रुपीज में 2 पेन वो खरीद सकती है और मनी उसके पास कितना बचा हुआ है 15 रुपीज। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। द प्राइस ऑफ 2 पेन रुपीज, अब ये देखिए 1 पेन का प्राइस है रुपीज 6.50, तो 2 पेन का क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो ये 2 पेन का कॉस्ट आपको निकालना है, तो प्राइस ऑफ 1 पेन रुपीज 6.50, तो 2 पेन का कॉस्ट होगा 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 13 रुपीज। कैसे करना है आप देखिए, 2 का 6 2 12 हो जाएगा, 0.50 का 2 में करेंगे 1 आएगा, तो ये टोटल 13 होगा। अगर ये तरीका नहीं आता तो जो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करके बताया है वो कर लीजिए आप, उससे भी आपको बन जाएगा। देखिए आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 2 0 जा कितना हो गया 0, 2 5 10, कैरी कितना गया आपका 1, 2 6 12 और 1 13। अब यहाँ आप देखिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के पहले है डेसिमल, तो 1 और 2, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस आपको निकालने के लिए क्या करना है, 1 और 2 डिजिट के पहले आप डेसिमल लगा दीजिए, तो दोनों 0 के पहले डेसिमल आ गया, तो डेसिमल के बाद 2 0 है तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ 0 है और 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो उन 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये हमारा 13 आ गया, दैट मीन्स 13 रुपीज आ गया। सो आप लिख सकते हो यस ही कैन बाय 2 पेन्स ऑफ प्राइस रुपीज 13, 13 रुपीज में वह 2 पेन खरीद सकती है। सो नाउ यू हैव अ प्रैक्टिस टाइम, आपके पास अब प्रैक्टिस का टाइम आ गया है, आपको ये मैच करना है, मैच ईच येलो बॉक्स विथ 1 green and 1 pink box, हर येलो बॉक्स को आपको 1 green और 1 pink box से आपको मैच करना है। तो कैसे मैच करोगे आप ये देखो पहले, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और चलिए हम मैच करते हैं। तो देखिए पहले हम येलो को ग्रीन से मैच कर लेते हैं, फिर हम ग्रीन को पिंक से करेंगे, तो हमें इजी होगा। रुपीज 1/10, 1/10 का क्या मतलब होता है, तो देखिए रुपीज 1/10 मीन्स क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10 पैसे, तो 10 पैसे से आप इसको मैच करेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि आप देखोगे ये डायरेक्टली नहीं गिवन है, रुपीज पैसे में कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक। तो जब नीचे ऊपर 1 है और नीचे 10 है, तो अगर हम नीचे 0 बढ़ाएंगे, नीचे मीन्स क्या, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 0 बढ़ा रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स ये आ गया 10/100, और 10/100 मीन्स 10 पैसे। तो जब भी आपको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये, आपको अपॉन में 100 होगा तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाओगे, तो ये आ गया आपका 10 पैसे। अब 5/100, तो नीचे आप देखिए डिनोमिनेटर में 100 है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर में 5 है, दैट मीन्स ये कितना पैसे होगा, 5 पैसे होगा। रुपीज 3/4, तब 3/4 को भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, आपकी 100 हो जाए, तो 25 4 जा होता है 100, तो 25 का आप जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यूमरेटर में भी 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए
25 फोर जा 100 तो हो गया, है ना, ये 100 हो गया। अब 25 थ्री जा कितना हो गया, 75। दैट मीन्स 75 अपन 100, दैट मीन्स कि ये कितना पैसे होगा, 75 पैसे होगा। तो देखिए 75 पैसे यहाँ इससे मिला लीजिए। अब इसे देखिए 99 अपॉन 100, सो 100 डिनोमिनेटर में है तो इसे कुछ भी नहीं करना है, ये 99 पैसे होंगे, इसे हम 99 पैसे से मैच कर देंगे। अब रुपीज़ 1/4, तो नीचे 4 है डिनोमिनेटर में, तो इसमें हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, तो ये हो जाएगा 100। ठीक, अब न्यूमरेटर में 1 है तो 25 बन जा 25, न्यूमरेटर 25 हो गया, तो इसको आप 25 से मैच कर दीजिए, तो ये 25 पैसा हो गया आपका। तो ये वाले मैच तो हो गए। अब इसको देखिए 5 पैसा मीन्स 5 अपॉन 100, तो जब डेसिमल में हम इसे लिखते हैं रुपीज़ में, तो 5 पैसा को हम लिखेंगे 0.05, तो ये हम इससे मैच किए, 25 पैसा मीन्स रुपीज़ 0.25, 99 पैसा रुपीज़ 0.9950 पैसा रुपीज़ 0.50, 10 पैसा रुपीज़ 0.75, इस तरह से आप इसे मैच कर लेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला टॉपिक है कलरफुल डिज़ाइन, और उसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि यहाँ पर एक डिज़ाइन दिया हुआ है, एक शीट है, और इस शीट को 10 पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया, और कुछ में क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है, पूरे का पूरा पार्ट कलर कर दिया, कुछ में पार्ट जो पार्ट में कन्वर्ट किया गया था उसके कुछ पार्ट को कलर किया गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ दिस सीट इज कलर्ड ब्लू, तो इस सीट का कितना पार्ट ब्लू कलर्ड है, इसको आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि देखो टोटल 10 पार्ट हैं, 10 में से 1 पार्ट ब्लू है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और उनमें से जितना आया वो न्यूमरेटर में। इसके लिए आपको फ्रैक्शन देखना पड़ेगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आप इसे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/10, तो 1/10 ऑफ दिस सीट इज कलर्ड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितना सीट का कितना पार्ट ग्रीन कलर में है, तो ग्रीन कलर आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3 पार्ट ग्रीन कलर में है, टोटल 10 पार्ट हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 अपॉन 10 पार्ट्स ऑफ द सीट इज ग्रीन। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए विच कलर कवर 0.2 ऑफ द सीट, कौन सा कलर सीट का 0.2 कवर करता है, तो आप इसे देखेंगे 0.2 मीन्स कि 10 में से 2 पार्ट किसका है, तो देखेंगे जैसे ब्लू स्ट्रिप ये बोल रही है 0.1 है, मीन्स 10 में से 1 है तो 0.1 हुआ, तो 0.2 के लिए 10 में से 2 होना चाहिए, तो 10 में से 2 क्या है आप ये देख लीजिए, तो देखिए येलो कलर जो है 10 में से 2 पार्ट है, तो हम इसे बच्चों लिख लेंगे येलो कलर कवर 0.2 ऑफ द सीट। आपको समझ में आ रहा है ना, तो इसको अच्छी तरह से समझिए और करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी यहाँ 28 के बाद 27 हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे, 29 लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर तो आपने लिख दिया, येलो कलर कवर्स 0.2 ऑफ द सीट। अब 29 हम देखेंगे, हमने इसे 29 नंबर दे दिया हुआ है। नाउ लुक एट द सेकेंड सीट, अब सेकेंड सीट को देखिए आप, ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, हर स्ट्रिप, पहले तो पूरी सीट को हमने 10 स्ट्रिप में डिवाइड किया था, अब हर स्ट्रिप को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स पूरी की पूरी सीट जो हो गई आपकी 100 पार्ट्स में, 100 बॉक्सेस में डिवाइड होगी, जो कि इक्वल है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, तो आपसे यही पूछ रहा है कि टोटल कितने बॉक्स हैं, तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देयर आर 10 × 10, 100 बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इज ईच बॉक्स 1 अपॉन 100 पार्ट ऑफ द सीट, क्या हर बॉक्स सीट का 1 अपॉन 100 है, तो आप लिख सकते हो कि है, क्योंकि देखिए हर बॉक्स जो है इक्वल है,
और सीट टोटल 100 इक्वल बॉक्स में डिवाइडेड है. सो यू कैन राइट द आंसर. यस, ईच बॉक्स इज 1/100 पार्ट ऑफ द सीट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ब्लू बॉक्सेज आर देयर. अब कितने टोटल ब्लू ब्लॉक्स हैं. देखिए वन स्ट्रिप थी, अगर 1/10 हम ले रहे थे तो 10 वन स्ट्रिप थी. अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स हैं तो ब्लू बॉक्सेस कितने हो गए, 10. सो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, देयर आर 10 ब्लू बॉक्सेस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इज ब्लू इक्वल टू 10/100 ऑफ द सीट. अब देखो ब्लू बॉक्स कितने हैं, 10 हैं, और टोटल सीट में 100 बॉक्सेस हैं, तो ब्लू कलर तो आपका 10/100 हो गया. वी सा दैट ब्लू इज ऑल्सो इक्वल 1/10. अब हमने देखा है कि ब्लू जो है 1/10 भी है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 ऑफ द सीट. इसे हम 0.1 लिख सकते हैं सीट का. तो इसे आप देखेंगे, यस ब्लू इज इक्वल टू 10/100 ऑफ द सीट. ब्लू जो है यहाँ यही पूछ रहा है कि क्या ब्लू सीट का 10/100 है, तो यस है 10/100, क्योंकि 100 में से 10 पार्ट है. अब आगे क्या बोल रहा है कि हम इसे 0.1 लिख सकते हैं क्या, तो चलिए देखिए. वी नो दैट 10/100 इक्वल टू 1/10, क्योंकि अगर आप 0 कैंसिल आउट कर देते हो तो 1/10 ही आता है, और 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन वी से 10/100 इक्वल टू 1/10, 0.10 एंड 0.1. सो यू कैन राइट द आंसर. यस, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्या, ये देखिए ये एंड क्या बोल रही है, डोंट गेट कन्फ्यूज, 0.10 इज द सेम एज 0.1. रिमेंबर दिस, 50 पैसा इज 0.50 एंड आल्सो रुपीज 0.5. तो 50 पैसे को हम 0.50 भी लिख सकते हैं और इसे रुपीज 0.5 भी लिख सकते हैं, इसलिए दोनों एक ही होते हैं. अब यहाँ से आपसे बोल रहा है कि थिंग कैन बी राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ रुपीज. क्या हम 10 पैसे को रुपीज का 0.1 लिख सकते हैं. सो हम इसे लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ अ रुपीज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेज आर रेड. अब यहाँ पर आपको ये देखना कि कितने बॉक्सेज रेड हैं और ये सीट का कितना पार्ट है. क्या इसे हम 0.15 लिख सकते हैं सीट का. तो जैसे कि यहाँ पर आपको हिंट भी दिया हुआ है कि 99 पैसे को 0.99 रुपीस लिख सकते हैं, तो वैसे भी हम इसे भी लिख सकते हैं. तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. पहले तो आप देखिए कि यहाँ से देखिए ये टोटल 10 पार्ट है और ये 5, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गया, 15 बॉक्सेस हो गए. तो यहाँ पर 15/100 क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि 100 में से 15 पार्ट रेड हैं. तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 15 बॉक्सेस आर रेड, इट इज़ द 15/100 पार्ट ऑफ द सीट. नेक्स्ट क्या है, यस वी कैन आल्सो राइट 0.15 ऑफ द सीट. तो इसे हम 0.15 लिख सकते हैं सीट का. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ 3/100 ऑफ द सीट इज ब्लैक. अब ब्लैक को बोल रहा है कि ये 3 बॉक्सेस हैं, तो ये टोटल पार्ट इसका क्या हो गया, 100 में से 3 है तो 3/100 हो गया. तो इसे हम क्या लिख सकते, 0.- सीट इज ब्लैक. सो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 डिजिट में होगा और 100 पार्ट में होंगे, तो उसको हम 0.3 लिखेंगे, तो ये 0.03 होगा. तो इसे देखिए, 3/100 ऑफ द सीट इज ब्लैक, सो वी कैन से 0.03 सीट इज ब्लैक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी व्हाइट बॉक्सेस आर देयर इन द सीट. तो आप देखिए कि व्हाइट बॉक्सेस सीट में कितने हैं, तो ये टोटल 10 है, ये 5 है, 15, और ये ब्लैक 3 थे, तो ये कितने हुए, 7. 15 और 7 कितने हो गए, आप बताएंगे, 22. तो आप लिख सकते हो, देयर आर 22 व्हाइट बॉक्सेस इन द सीट. नेक्स्ट क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द सेकेंड सीट इज व्हाइट. तो सेकेंड सीट का कितना पार्ट व्हाइट है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 22/100 पार्ट. अब यहाँ बॉक्सेस के नंबर पूछे थे तो 22, अब पार्ट पूछ रहा है तो 100 में से 22 बॉक्सेस वाइट हैं, तो 22/100 हम लिख देंगे, 22/100 पार्ट ऑफ द सेकेंड सीट इज वाइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक योर ओन डिज़ाइन। आपको अपना डिज़ाइन बनाना है, आपको एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें 0.545 पार्ट जो है रेड हो, मतलब आपको इस 100 बॉक्स में से 45 बॉक्सेस को रेड कलर करना है, ऐसा डिज़ाइन बनाना है। अब इस सेकेंड सीट में क्या करना है कि 4 कलर को आपको यूज़ करना है और उनमें से हर कलर जो इस स्क्वायर का 0.05 पार्ट कवर करे, दैट मींस कि ओनली 5 बॉक्स को आपको हर कलर करना है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ये हुआ आपका, जिसे 45 जो है आपका बॉक्स रेड है। आप इसको अपना कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला बनाओ। और नेक्स्ट जिससे 4 कलर करने थे आपको और हर कलर कितने हो, सिर्फ 0.05 हो, दैट मीन्स आपको 5 बॉक्सेस को कलर करना है। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइन बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप इस चैप्टर को, इस पार्ट को अच्छी तरह से सॉल्व करते रहिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।